हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में और भाई अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। और भाई ये देखो, बाहर धुंध ही धुंध और एकदम पूरी फॉग हो रखी है आज चंडीगढ़ में। मुझे दिल्ली एक काम था जिसके लिए मुझे अभी निकलना पड़ा दिल्ली, और अभी मुझे छोड़ के आ रहे हैं बस तक इरफान भाई और वापस गाड़ी ले आएंगे होटल। तो मैं दिल्ली जाऊँगा एक दिन के लिए, वापस मुझे आना है चंडीगढ़, फिर यहाँ से जाएंगे जम्मू अपनी गाड़ी पर। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जीरकपुर की तरफ, और जीरकपुर मार्केट में ही शायद बस स्टॉप है जहाँ से मुझे दिल्ली की बस मिल जाएगी। तो भाई लेट तो मैं पहले से ही हो रखा हूँ, 10 बजने वाले हैं भाई, दिल्ली पहुँचना है, वहाँ पे बहुत सारे काम भी करने हैं। हो सकता है आज ही वापस आ जाऊँ, नहीं तो हो सकता है रुक भी जाऊँ वहाँ पे मैं दिल्ली में। तो अभी हमने लिया है जीरकपुर में एक रूट जो अंदर अंदर से जाएगा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, पर क्या पता भाई ये कहाँ लेके पहुँचेगा हमें। आज पहुँच जाने चाहिए हम बस स्टॉप के पास। तो भाई ये रहा सामने जीरकपुर का जो बस स्टॉप है जहाँ से दिल्ली वाली गाड़ियाँ जा रही हैं, पर भाई कोई स्टैंडर्ड की गाड़ी नहीं आ रही है, ये आरटीसी आ रही है भाई। मैं सोचता हूँ कोई अच्छी सी गाड़ी आए उसमें बैठ के जाएं भाई, ऐसे खटारे में थोड़े बैठ के जाना है मुझे। तो 5-7 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे, वेट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जाती हैं यार दिल्ली में, ऐसी गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगा मैं। बस वाला प्लान कर दिया कैंसिल और अभी मैं जा रहा हूँ इस डिज़ायर पे। अब छोटी गाड़ी का ये रहेगा भाई, ये आराम से जाएंगे और नॉन स्टॉप जाएंगे, और बस वैसे भी कोई अच्छी मिल नहीं रही है यहाँ से। भाई दिल्ली पहुँचने वाले हैं और अपनी गाड़ी जो है भाई ये है सीएनजी, तो भैया अभी डलवा रहे हैं, फिल करवा रहे हैं दोबारा से सीएनजी। और यहाँ से दिल्ली है कोई 50 किलोमीटर, तो भाई पहुँच जाएंगे कोई 1 घंटे में। तो सोचा नहीं था इतना जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। तो भाई पहुँच चुका हूँ दिल्ली और अभी वेट कर रहा हूँ कैब का, बस कैब आ जाती है तो यहाँ से निकलता हूँ। मैंने पहले जाना लंच करना है, बहुत भूख लगी है भाई, अभी 3 बज रहे हैं और उसके बाद जाना है करोल बाग। भाई मैं आ चुका हूँ वापस चंडीगढ़ और अभी मैं इन भाई लोगों को लेके आया हूँ कि भाई आपको घुमाता हूँ कोई मार्केट जो अच्छी सी हो चंडीगढ़ की। भाई जब से मैं चंडीगढ़ आया हूँ और एक भी व्लॉग शूट करने का ना तो मिला टाइम ना ही मूड बना भाई, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया था दिल्ली और दिल्ली से वापस यहाँ पे आके भाई अभी शाम को इनको लेके आया था कि चलो आपको चक्कर चुक्कर लगवाता हूँ। ये भी 2-3 दिन से यहाँ पे बिजी थे काम में, इतनी ठंड हो रखी है कि टोपी के बिना चारा ही नहीं है कोई। और ये रहा अपना रूम और ये देखो लोंडा। तो भाई फाइनली हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से जम्मू के लिए और रात को कुछ इस तरह के होटल में रुके थे। मैंने दिल्ली का कोई भी अच्छे से शूट नहीं किया व्लॉग वगैरह, ना ही चंडीगढ़ का, पर आज चंडीगढ़ से जम्मू जाने का व्लॉग हमारा प्रॉपर रहेगा। अभी चंडीगढ़ में भी कुछ काम है वो भी निपटाना है और उसके बाद निकलना है जम्मू के लिए। अभी सामान वामान सब पड़ा हुआ है, जस्ट रेडी हुए हैं, अब ये भी पहुँचाना है गाड़ी में। तो भाई ये है सेक्टर 45 और ये था होटल वैशाली जिसमें रात को हम रुके थे, और ये रही अपनी गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई थी रात को। तो बाकी भाई लोग सामान फिट कर रहे हैं, भाई जल्दी जल्दी डालो यार, रखो बीच में, हाँ लेनी है ये, रखो सामान रखो आप। तो भाई अभी फिर मैं आ चुका हूँ सनराइज वालों के पास जहाँ पे हमने परसों दी थी मम्मी की मशीन ठीक करवाने के लिए, तो सर्विस हो गई है और अब यहाँ से लेते हैं और निकलते हैं आराम से। भाई उठा ले अब कैब कैसी लग रही है भाई, शुक्र है ये है, नहीं तो ऐसे मौसम में भाई ठंड देखो बाहर कितनी है और गाड़ी की हालत देखो भाई, डिक्की खोल। तो भाई अब पहुंचे हम सीधे सेक्टर 22 की मार्केट में और ये आ गई हमारी मोबाइल मार्केट, और यहाँ पे है अपना एक खास बंदा जिसे हम हर बार जितने भी इक्विपमेंट लेते हैं कैमरा रिलेटेड। तो अभी हमने यहाँ से लिया भाई भैया से एक सोनी का माइक जो कि गोप्रो के साथ काम आएगा हेलमेट में, बहुत मस्त चीज़ है यार। और दूसरा एक ये पेन ड्राइव जो कि आईफोन के लिए काम कर रहा है, USB वाला, भैया बिल बना रहे हैं। उसके अलावा शराज भाई ने आपसे लिए एक क्या पता भाई ये कोई कैमरा रिलेटेड गियर है, तो अगर आप लोगों में भी भाई चंडीगढ़ से कभी कोई चीज़ लेनी है तो मैं शॉप का एड्रेस डाल दूंगा, यहाँ से रख लेना, बहुत मस्त है भाई। ये है चंडीगढ़ की मोबाइल मार्केट सेक्टर 22 और ये रही अपनी गाड़ी, और ये जो सामने आप शॉप देख रहे हो सेकंड वाली, वहाँ से हमने अभी सामान लिया है सारा। आपको भी कैमरे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए होगी आप यहाँ से ले सकते हो। अभी मैंने लिया एक सोनी का माइक जो कि मैं GoPro में यूज़ करूँगा, उसके अलावा मैंने लिया एक USB जो कि आईफोन से कैमरे में सिस्टम में अगर ट्रांसफ़र करना हो लैपटॉप वगैरह में तो इजीली हो जाता है, ये दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। शराज ने भी कुछ कैमरा इक्विपमेंट वगैरह लिए हैं और अभी वो शॉप पे है, बस उसका वेट कर रहे हैं, बाकी सामान वगैरह सब पैक कर दिया है। आज मैंने कोशिश की है थोड़ा सा शूट करूँ। तो अभी हमने क्रॉस किया था जलंधर, तो भाई जलंधर से आगे माहौल कुछ इस तरह का है, मतलब
इतनी धुंध अभी के टाइम में है तो रात में कितनी होगी भाई। वही सीन है कि भाई जल्दी जल्दी अगर डे के टाइम में निकल जाते हैं हम पठानकोट से तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा माहौल होगा रास्ते में तो रात के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा भाई, बहुत रिस्की रहेगा। तो अभी बाकी सब लोग भी चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें लगी है भूख। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तभी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर रहा हूँ, तो आगे देखते हैं थोड़ी इस धुंध वाले एरिया से निकलते हैं। मुझे लग रहा है अब ये साथ ही रहेगा ऐसा ही, पर भाई यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो चुका है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई रोड। अब क्या ही करें, ये देखो और बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, मतलब 40-50 की स्पीड में, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल रहने वाला है भाई, कब तक पहुँचेंगे जम्मू। इसी तरह करके हम पहुँच चुके हैं मकेड़ियाँ और यहाँ से रहता है पठानकोट 38 किलोमीटर। मैं सोच रहा था भाई 5-6 बजे तक हम पठानकोट पहुँच जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत फॉग था पीछे और मुझे लग रहा है कि आगे भी हमें बहुत धुंध मिलने वाली है रास्ते में। तो अब यहाँ पे रुकते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जम्मू में और बाहर लगाई है हमने गाड़ी और यहाँ पे एक कैफ़े है भाई, कठुआ साइड है ये, यहाँ पे हमने सोचा है कि कॉफ़ी पी लेते हैं, पीछे खाना पीना तो हम करके आए थे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। बाकी जाएंगे, कोई ट्रिप वगैरह भी प्लान चल रहा है, राइड वाइड पर भी जाएंगे, बाइक का भी प्लान चल रहा है, बहुत कुछ आने वाला है मेरे चैनल पर। तो अभी तो मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ भाई चैनल को लेके, यूट्यूब को लेके, पर मुझे लग रहा है कि अब जनवरी 2023 से मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए और अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए।